नमस्ते, मेरा नाम शरद जोशी है। मैं कल्याण महाराष्ट्र में यानी मुंबई के पास में रहता हूँ। मेरी उम्र है 72। अभी मैं इधर आया हूँ मेरे कान के ट्रीटमेंट के लिए। अभी मैं पहले बताता हूँ कि मेरा कान का प्रॉब्लम क्या था। मेरा कान का प्रॉब्लम ऐसा था कि समझो कि 15 या 18 साल पहले मैंने कुछ एंटीबॉडीज के रिएक्शन आई थी, उसके वजह से मेरे दोनों कान में से मुझे कम सुनने लगा था। मैंने पहले मुझे ध्यान में नहीं आया, लेकिन जब भी थोड़ा आस्ते आस्ते ध्यान में आया तो कुछ पता नहीं चला कि एग्जैक्टली क्या हो गया है। तो मैंने डॉक्टर के पास, दो तीन डॉक्टर के पास किए, एक प्राइवेट डॉक्टर के पास किया, आखिर म्यूनसिपल हॉस्पिटल में किया। और मुंबई हॉस्पिटल जो है, जो बांद्रा में है, वो एक कान और नाका स्पेशली कान का डॉक्टर है, उनके पास गया। तो उन्होंने जो डायग्नोस किया उसमें उन्होंने ऐसा देखा कि मेरे नर्व तो ठीक है, उसमें कोई मतलब उम्र के हिसाब से 2-4 तक एक सवाल है, लेकिन मेनली जो प्रॉब्लम है वो अंदर की जो हड्डी है, जिसके तरफ से जो आवाज़ ट्रांसफर होकर ड्रम तक आता है और अपने को सुनने को आता है, वो जाम हो गया है और उसके वजह से उसमें हलचल नहीं है, मूवमेंट नहीं है, इसके लिए मुझे सुनने को नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके लिए दवा कोई काम नहीं करेगा, टेम्पररी उन्होंने कैंडिड करके दवा दी, लेकिन मेनली आइदर तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा या मशीन लगाना पड़ेगा। तो मैंने ऑपरेशन से उसका प्लस माइनस पूछा, तो उन्होंने ऐसा बताया, एक दूसरे डॉक्टर ने वहाँ तो नहीं, उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के वजह से वहाँ के प्लास्टिक की हड्डी लगा के है वो निकाल के। तो मतलब उसमें अगर तुम गड़बड़ोगे तो बोले फिर पूरे बहरे हो जाओगे। मैं बोला फिर मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, मैं मशीन वापरूंगा। तभी से पीछे 10 साल से मैं मशीन वापर रहा हूँ, और मुझे मशीन के जो आखिर ये मशीन तो मशीन है, उसके जो लिमिट है, लेकिन दूसरा इलाज नहीं, तो मैं इससे चला रहा हूँ। उससे क्या होता है, मैं प्रोफेशन में हूँ और इसके लिए मुझे बड़े बड़े ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो मुझे जब भी जाता है तो मेरा कॉन्फिडेंस खो गया है, क्योंकि सामने वाला बोलता है तो मैं सुनने को आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। मैं बाकी काम तो कर सकता था, मेरा एक्सपीरियंस हो जैसे क्लाइंट को मिलता था ओके ठीक है, लेकिन बड़े ऑफिसर को कैसे मिले, मेरी केस कैसे करी। एक दो बार मुझे कोर्ट में जाना पड़ा, तो जज जो बात कर रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सो आई वॉज, ये मेरी हैंडीकैप थी और मेरी प्रॉब्लम थी। आखिर ऐसे हो गया कि एक कुछ दिन पहले मैं मशीन लगा रहा था और समझ रहा था कि चलो ये अभी कुछ उसमें कोई दर्द नहीं, अपने को निकालना है। अचानक एक दिन मैं YouTube देख रहा था मेरे इसमें, तो उन ये डॉक्टर का मुझे ये इसमें आ गया। तो फिर उनके बहुत सारे रिपोर्ट दिखे, बहुत सारे लोगों के रिपोर्ट देखा, तो मैं बोला ये तो नई तरीका है, देख लेते हैं। फिर सोचा, फिर देन मेरी एक बहू है, वो होम्योपैथी कंसल्ट करती है, यंग है, पुणे में करती है, तो उनको पूछा कि भाई ऐसे हो सकता है क्या। तो बोले हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि रिसर्च चालू रहता है, किसी को कोई दवा हो सकती है। तो बोले आप रिवर्ट करके ट्राई करने में कोई वादा नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी है। तो सोच समझ के मैंने इधर आने का नक्की किया। कल मैं इधर आया, सुबह आ गया और इधर लिया। इधर एक डॉक्टर ने मुझे ये अपने कान में एक एक घंटा दवा लगाने का पहला ये बनाया था, थोड़ा दवा लेने का। उससे जाने के पहले मुझे एक मैं देखा कि ये होने के बाद विद इन 2 आवर्स मुझे जो सामने बैठ के भी 2 शब्द सुनने को नहीं आ रहे थे, विद इन उन्होंने 5 फुट के पीछे से बताया, तो मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ गया आज अभी अभी। तो अभी आगे मुझे बहुत होप्स है कि ये अभी 3-4 महीने किए तो ये तो विद इन 2 आवर्स हो गया है, तो आगे चल के मुझे मेरा छुट्टी मिलेगा इसमें से, कान के मशीन से, और मैं एक्चुअली सुन सकूँगा पूरा अच्छे तरीके से। ये मुझे बहुत होप आया है। थैंक यू।